तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, आज तारीख है 29 अगस्त 2022। दोस्तों, आज हम अपने इंडियन एक्सप्रेस के यहाँ पे कुछ ज़रूरी करंट अफेयर्स और कुछ ज़रूरी एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको यहाँ पे तीन चार जो है करंट अफेयर्स के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली आज आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे आज के दिन पेपर में मंडे को पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो अपने एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से तीन ही चार करंट अफेयर्स यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखोगे दोस्तों कि एक एडिटोरियल सेक्शन में बेसिकली पेगासस पे चर्चा की गई। पेगासस में भी चर्चा बेसिकली मैं आपको यही बता दे रहा हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा जो है वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करते हुए लिखी गई है बातें कि कैसे जो है राहुल गांधी ने जो है वो प्रोपेगेंडा किया पेगासस ऐप को लेके। हालांकि हुआ कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बिठाया, बाद में सारे मामले रफा दफा हो गए। तो थोड़ा सा क्रिटिसाइजिंग ये हमारे काम का नहीं है। हाँ, एक थोड़ा सा श्रीलंका वाले इश्यू को लेकर जो हम्बलटोटा पोर्ट पे जो टेंशन चली आ रही है चाइना के साथ अपनी, वहाँ पे उसके रिगार्डिंग एक छोटी एक दो छोटी मोटी बातें उसमें लिखी हैं, वो भी उतना खास नहीं। वो छोटी मोटी बातें भी मैं उसी समय डिस्कस कर दूंगा। और बाकी एक थोड़ा सा बिल्का बानो केस को लेके कुछ बातें लिखी हैं। बिल्का बानो केस में क्या बेसिकली देखोगे दोस्तों कि वहाँ पे आपको एक दो आर्टिकल्स काम के मिल जाएंगे, जैसे जो थोड़ा पॉलिटी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। और आप देखोगे कि थोड़ा सा गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़ में नरेंद्र मोदी ने अपनी 92 मन की बात में थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन पे जो है चिंता जताते हुए कुछ चर्चा की है, उसको डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा दोस्तों एक दो इंटरनेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ में एक दो काम की न्यूज़ मिली है, जिसमें आप देखोगे कि अभी रशिया ने यूक्रेन पे आर्टिशैली की थी जंजपुरिया पे, उसके बाद बेसिकली अभी दूसरी आर्टिशैली हो गई, तो एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट उनका उड़ा दिया गया, तो इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सी न्यूज़ है, मतलब एक दो काम की न्यूज़ है बेसिकली ये दोस्तों। अब 30 मिनट से ज़्यादा की बड़ी वीडियो होती है तो मैं दो पार्ट में बनाता हूँ, पर अब छोटी न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ आज बहुत ज़्यादा है तो यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो दोस्तों यहाँ जो पहली न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है द IRI न्यू वायरस बिहाइंड मिस्ट्री डॉर्फिंग ऑफ द राइस। तो बेसिकली आप देखोगे दोस्तों, मैं दो तीन दिन पहले भी मैंने इस पर चर्चा की थी और शायद परसों भी मैंने इस पर चर्चा की थी, उसमें भी मैंने बताया था कि करंट टाइम में जो पंजाब और जो हरियाणा में बेसिकली जो चावल की खेती हो रही है, जो स्टंट ग्रोथ हो रहा है, उस पर चिंता जताते हुए उस पर रिसर्च साइंटिफिक स्टडी की गई। तो आप देखोगे कि बेसिकली ये जो स्टंट ग्रोथ हो रहा है ना, ये साउथर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक वायरस डॉर्फ वायरस की वजह से हो रहा है। तो अब इसकी मेन बात क्या है दोस्तों कि कौन सा इंसेक्ट स्वैप कर लेता है कौन सा नहीं करता, अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले की ये बातें डिस्कस कर ली है। जो यहाँ पे मसाला है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो मेरे पहले के वीडियोस को देख सकते हैं। पहले के वीडियोस देखोगे दोस्तों तो धीरे धीरे आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप और भी सारी चीज़ों को देख लोगे। वैसे भी मैं कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होती है और जो काम का मसाला होता है मैं वही बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो स्टडी की गई, स्टडी के दौरान पे यहाँ जब चर्चा की गई है, स्टडी के दौरान क्या होगा कि मैंने आपको बताया था ना, ये जो डिटेक्शन किया गया था वायरस का, ये बेसिकली PCR और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोसेस की वजह से किया गया था। PCR मैंने आपको बताया था ना कि RT-PCR आपने सुना होगा, कोविड टेस्ट तो कराया ही होगा आप सभी ने, तो उसमें RT-PCR के यहाँ पे क्वालिटेटिव PCR मेथड्स को डिस्कस किया था कि कैसे। लेकिन करंट टाइम में क्या चल के आ रहा है दोस्तों कि आप देखोगे कि थोड़े से कुछ मेथड्स को इजाद किया गया, उन मेथड्स में इजाद करने के साथ देखोगे कि कुछ मेथड्स में क्या पता चला है कि ये जो SRBS-DB वायरस है, साउथ ब्लैक एंड डॉर्फ वायरस है जो बेसिकली है, ये सबसे पहले जो बिलोंग्स करता है, ये फिजी वायरस जीनस से, मतलब फिजी वायरस जीनस से बिलोंग करता है, ये सबसे पहले चाइना में 2008 में डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में देखोगे दोस्तों कि सेकंड मेथड की जो स्टडी की गई है स्पेसिफिक, मतलब कि अभी तक क्या था ना दोस्तों कि चावल की खेती में बेसिकली हमको यही कंसर्न निकल के आ रहा था कि चावल की खेती जो हो रही है उसमें डॉर्फिज्म आ रही। लेकिन दोस्तों इस इफेक्टिव मेथड से क्या पता चला है कि बेसिकली जो बासमती चावल है वो ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है इन कंपैरिजन नॉन बासमती चावल। तो इस कंसर्न्स को देखने के लिए ये स्टडीज़ हैं, उसी स्टडीज़ के यहाँ कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम देखेंगे। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके जो मैंने हाईलाइटिंग पॉइंट किया है इनको आप पढ़ भी सकते हो। तो पहला मेथड मैंने बता दिया, फिजी वायरस चाइना स्टडी से मिला कि ये बिलोंग करता है फिजी वायरस जीनस जो कि चाइना में है 2008 में। उसके बाद जो दूसरा मेथड मिला है, इसमें क्या किया गया दोस्तों, दूसरे मेथड से डिटेक्शन क्या है कि एक स्पेसिफिक प्राइमर, आप बायोटेक में एक स्पेसिफिक प्राइमर होता है, प्राइमर इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जैसे कह सकते हो कि आप ट्रिमर यूज करते हो या रिमोट यूज करते हो, तो रिमोट में मोटा वाला सेल लगता है और AC के रिमोट में पतला वाला सेल लगता है, तो ये एक स्पेसिफिक प्राइमर होता है उसको चलाने के लिए। ठीक है, तो यही प्राइमर की मतलब एक छोटी सी मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश की कि टीवी का रिमोट मोटे सेल से चलता है, घड़ी मोटे सेल से चलती है और AC का रिमोट पतले सेल से चलता है, तो वही एक स्पेसिफिक प्राइमर है कि बाय यूजिंग द स्पेसिफिक प्राइमर टारगेटिंग द टू डिफरेंट जीनोमिक कंपोनेंट्स ऑफ द वायरस। तो स्पेसिफिक प्राइमर की वजह से
जो स्पेसिफिक प्राइमर इन्होंने डिसाइड किया उसकी वजह से इन्होंने दो कंपोनेंट पाए वायरस के। और तीसरे स्टडी में इन्होंने देखा कि फर्दर वैलिडेटेड द इन्फेक्शंस इन द सिम्प्रोनिक सिंपल्स एंड द वाइट बैग्स प्लांट होपर्स वेक्टर्स बिसाइड्स कंफर्मिंग द एब्सेंस ऑफ द वायरस इन द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट। तो आप देखोगे कि फर्दर इन्होंने क्या है, एक इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक सैंपल्स के भी लिए, मतलब सिम्टोमेटिक जो सैंपल्स लिए उसमें इन्होंने इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया। इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के बेसिकली क्या मेथड है कि इन्होंने डिटेक्ट किया कि जो वाइट फ्लैग प्लांट ग्रॉस हॉपर जो वैक्टर है ना, इसी के थ्रू, ये तो दोस्तों देखिए मैंने पहले भी बता दिया कि इसी के थ्रू जगह जगह फैल रहा है, जो जाके वहाँ पे स्वीट्स को, उसके नरिशमेंट को स्वयं कर लेता है और बेसिकली क्या होता है कि येलोइंग कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी चर्चा यहाँ पे खत्म हुई। अब उसके बाद जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया कि नॉन बासमती वेराइटीज आर द मोर इफेक्टेड देन द बासमती, सॉरी दोस्तों मैंने ऊपर बासमती बोल दिया था, यहाँ पे ये है दोस्तों कि नॉन बासमती वेराइटीज हैं वो मोर इन्फेक्टेड हो रहे हैं बासमती से। ठीक है, जो यहाँ पे काम करता हूँ मैंने बता दिया। अब दोस्तों जो हम स्टेप्स क्या इसके थ्रू उठा सकते हैं, जो मेजर स्टेप्स हम ले सकते हैं वो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है बचाव के रूप में, द पेस्ट कैन बी मैनेज्ड बाय द स्प्रिंग रिकमेंडेड डोजेस ऑफ द ब्यूफ्रोफिजिन एसिटामिप्रिड और ड्यूनिटिफ्रिन और फ्लोनिकोमाइड इंसेक्टिसाइड्स एट द 15 डे इंटरवल। तो आप अपने खेतों में ये सारे पेस्टिसाइड्स का बेसिकली क्या करोगे कि स्प्रिंग करते रहो 15-15 दिन के इंटरवल पे, तो क्या होगा कि थोड़ा सा जो है इजात आप जो है फायदा मिलेगा। ठीक है, यही बात थी ये दोस्तों। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके जो इंपॉर्टेंट नाम है ना, ये जो मैंने बता दिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम, इनको चाहो तो आप कहीं पे नोट कर सकते हो, ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काम ही आएंगे, तो ये दोस्तों नाम आप नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आगे की न्यूज़ को डिस्कस करते हुए हम बेसिकली आगे चलते हुए देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आगे चलते हुए हमने ये गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिगार्डिंग एक है, ये बेसिकली आपको जो है सोशल इश्यूज में और कह सकते हो कि साथ ही गवर्नमेंट की स्कीम्स में ही आपको ये आर्टिकल हेल्प कर सकता है। बेसिकली आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी ने 92 जो है मन की बात करते हुए माल न्यूट्रिशन को जो है, कुपोषण की जो है शिकायत को इरेडिकेट करने के लिए, इंडिया से हटाने के लिए लगभग एक छोटी सी कुछ बातें की गई हैं। बेसिकली क्या है कि इनका नया इनिशिएटिव आप देखोगे कि इन्होंने मतलब लोगों से गुहार की कि जो सितंबर का अपना अगला महीना आएगा ना, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बेसिकली क्या है कि ये फेस्टिवल के रूप में मनाया जाएगा। फेस्टिवल के रूप में इन द सेंस समझने की कोशिश करी कि पोषण माह एवरी ईयर 1st to 3rd September, मतलब हर साल अब 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बेसिकली क्या है कि पोषण माह के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों कि इन्होंने क्या करेंगे कि ये एक एफर्ट्स है, एफर्ट्स इनिशिएटिव है, एफर्ट इनिशिएटिव इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। आप ये देखिए दोस्तों कि कुछ अपने इंडिया में पहले से स्कीम्स चल रही हैं कुपोषण की बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि उन स्कीम्स को तो अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट की जो नई इनिशिएटिव है ना, इस चीज़ को टैकल करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि बेसिकली जो आंगनवाड़ी वर्कर है ना, ये एक पोषण ट्रैकर करके एक मॉनिटरी एसेसिबिलिटी को लॉन्च किया। और बेसिकली क्या होगा कि मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर्स को बेसिकली मॉनिटर करना है कि कितने हद तक क्या हुआ कि हम काबिल इसके लिए हो पाए हैं कि कुपोषण से हम लड़ पाए हैं। तो बेसिकली आप देखोगे दोस्तों कि ये जो अभियान है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो पिछड़े अपने इलाके हैं, जहाँ देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का एरिया है ना, वो अभी भी क्या है कि गवर्नमेंट की कई सारी इनिशिएटिव से वंचित है। वंचित इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि एक यूपी का आदमी लगभग सारी पॉलिसीज पा जाता है, लेकिन एक नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और ये सारी जो जगहें हैं ना, यहाँ पे अभी भी क्या है कि इनके लिए समझ लीजिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये वंचित हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ना नॉर्थ ईस्ट को लेके, ये थोड़ा सा ये देखिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, ये यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में बेसिकली देखोगे कि जो आप इनिशिएटिव प्लान्स कौन है कि इनिशिएटिव प्लान्स में हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कोई बात आती है आप चाहो तो ऐसे में भी इस चीज़ को कोट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा एक इनिशिएटिव कि कैसे गवर्नमेंट ने एक ट्रैकर प्लान को लाया, ट्रैकर प्लान को करने के लिए एक मॉनिटरी एसेसिबिलिटी लाई है, तो ये यहाँ पे देखोगे। और साथ ही देखोगे दोस्तों कि गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि ट्रैकर प्लान के चलते हम माल न्यूट्रिशन को जो है इरेडिकेट कर लेंगे, इसके लिए जो हमारे पहले से जो स्कीम्स चल रही हैं इसको भी हमको पहले से इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूव इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो जल जीवन मिशन पहले से चला आ रहा है ना, इसको प्रॉपर हमको इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने के साथ साथ मतलब क्या है कि देखिए इंप्रूव करने का इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जल जीवन मिशन ने लोगों को माल न्यूट्रिशन के रूप में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट किया, इंपैक्ट मतलब पहले से लोगों की कंडीशन जो है काफ़ी हद तक सुधरी है, तो इसको हमको और इन्हेंस करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप देखोगे कि असम में बेसिकली क्या है कि संपूर्ण प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है, संपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत मतलब समझने की कोशिश करिए कि असम में क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल में नहीं लिखा है पर मैं आपको बताता हूँ कि 1.5 महीने पहले ये न्यूज़ आई थी
थी कि असम में बेसिकली क्या है कि बंगोई विलेज है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था कि यहाँ पे संपूर्ण प्लान को लाया था। संपूर्ण प्लान को देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे हाइलाइटिंग पॉइंट देख सकते हो। ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर ज्यादा समय लेके इस पर डिस्कस करूंगा। तो आप देखोगे कि ये जो संपूर्ण प्रोजेक्ट है ना, बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये आसाम के बंगोई विलेज से स्टार्ट हुआ था। देखिए पीलियम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा कहीं। संपूर्ण बंगोई विलेज से स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली क्या था कि ये माल न्यूट्रिशन के तहत फाइट करने की एक इनिशिएटिव थी। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो हेल्दी माएँ हैं वो क्या करेंगे कि जगह जगह जाके एक कह सकते हो कि रीजनल इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी कि जो कुपोषण से शिकार औरतें हैं उनको क्या करेंगे कि धीरे धीरे मतलब एक हेल्दी सोशल के बारे में लोगों को बताएंगे कि कैसे कुछ हद तक आप अपने आप को पोषित रख सकते हो। तो यही इस प्लान के तहत बातें थी। और साथ ही आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे 4G की कनेक्टिविटी को भी लेके नरेंद्र मोदी ने लास्ट में कहा कि जो 4G की कनेक्टिविटी है वो धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में फ्लरिश करने के साथ साथ जो ये क्या कह सकते हो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन की यहाँ पे जो चर्चाएं होंगी नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा कह सकते हो कि एक अच्छा इनरिचमेंट है इस प्लान को लेके। तो यही यहाँ पे डिस्कस था, ठीक है। अब दोस्तों आगे की न्यूज़ को देखते हैं। तब दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आप देखोगे दोस्तों कि आपको तो पता ही होगा कि कैसे ताइवान का मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मा में है। करंट टाइम में क्या है कि कुछ दिन पहले क्या था कि नैन्सी पेलोसी जो थी वो US की एम्बेसडर बेसिकली जो था चाइना ताइवान के इशू पे जाके वो ताइवान में जाके वहाँ पे बातें करती हैं। चाइना क्या है वो ताइवान को अपना स्टेट बताता है, वो कहता है कि वो उसका पार्ट है। तो इसी इशू को लेके जो करेंट टाइम में क्या था कि चाइना और US के बीच में जो टसल चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बेसिकली क्या है दोस्तों कि इस कंडीशन में आप देखोगे कि दोनों के बीच में एक वॉरशिप क्रिएट है। वॉरशिप इन द सेंस समझने की कोशिश करो कि करेंट टाइम में क्या है कि US ने जो कह सकते हो कि वहाँ पे अपने शिप्स को बिछाया है डॉकयार्ड पे। देखिए दोस्तों ये दोनों शिप्स के नाम काफी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, द US एंटिनम एंड द US चांसलर विली। ये बेसिकली क्या है दोस्तों कि दो शिप्स के नाम हैं। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्कीम की बात है, यहाँ पे ये दोनों शिप्स के नाम हैं। तो आप देखोगे कि इनके रूटीन के ऊपर बेसिकली क्या है कि चाइना ने थोड़ा सा नौटंकी करने की कोशिश की है। नौटंकी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि इसके आसपास के मतलब कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्टिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, घेराबंदी करने की कोशिश की है। तो ये थोड़ा सा एक कह सकते हो कि वॉर सीन क्रिएट करने की यहाँ पे बातें हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यूज़ थी, ये दोनों शिप के नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब दोस्तों करंट टाइम में तो आपने जान ही लिया होगा कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान में बहुत हद तक बाढ़ आई है। अब हद तक क्या मतलब काफ़ी बाढ़ आई है। बाढ़ की वजह से क्या है कि आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा फ्लड हुआ है, कई सारे लोग मारे गए हैं, बेघर हो गए हैं। इस कंडीशन में क्या है दोस्तों कि कई सारे देशों ने मदद के रूप में आगे बढ़े हैं, जिसमें UAE है, टर्की है, ईरान ने ऑफर सपोर्ट किया है, सपोर्ट के रूप में मदद किया है। अब दोस्तों किसने क्या मदद किया, किसने क्या फंड दिया, वो हमारे देखिए एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। आप ब्यूरोक्रेसी में जो हमारे लिए काम की चीज़ होती है कि उसके बीच का क्या कोर है वो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक नाम निकल के आ रहा है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द मेन बॉडी टास्क टू डील द क्लाइमिटी। अब यहाँ पे हमको NDM का पता चलता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। इनका क्या काम है कि ये जो त्रासदी की कंडीशन होती है ना, ये इन सारी कंडीशन से लड़ते हैं। अब देखिए दोस्तों NDMA का गठन क्या था, अब यहाँ पे नहीं है। अब वो आपकी क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि गूगल पे जाके आप खुद देखो। अब नहीं भी देख रहे हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि NDMA का बेसिकली गठन जो था वो 2005 में हुआ था। और बेसिकली इसका काम क्या था, इसके जो हेडेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या था कि बाढ़ और आपदा जो थी बेसिकली इनसे लड़ने के लिए थी। अच्छा दोस्तों एक NDMA है, एक NDRF है। अगर आपको शायद पता ना हो तो बताता हूँ कि NDRF का बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान के चलिए उत्तराखंड की आपको त्रासदी याद होगी कि सन 2014 या 13 में जब उत्तराखंड में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी कि चारों धाम में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा लोग डूब गए थे। तो उस टाइम NDRF का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। NDRF का बेसिकली क्या है कि एक तरीके के समझिए ये रेस्क्यू डिपार्टमेंट है। रेस्क्यू इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो बाढ़ वाड़ में बेसिकली लोग घर प्रवाह में डूब जाते हैं, अपनी धन संपत्ति लूज कर जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करने का काम NDRF का है, ठीक है। तो NDRF और NDMA ये दो चीज़ को इंपॉर्टेंट करिएगा, दोनों के बीच के अंतर को समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये बातें मैंने बता दी। अब दोस्तों क्या सीन है कि थोड़ा सा एक एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट में UAE ने जो है रिलीफ दिया है 3,000 टन फूड सप्लाई का, और साथ ही आप देखोगे कि मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल सप्लाईज देने का वादा किया है, ठीक है। तो ये जो था इंपॉर्टेंट वो मैंने बताया। अब उसके बाद आगे की न्यूज़ देखते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ में सिर्फ इतना ही था, अब इसके बाद हम एडिटोरियल पे चलते हैं, एडिटोरियल्स के सेक्शंस को देखते हैं। अब दोस्तों बेसिकली क्या है कि एडिटोरियल में मुझे दो काम के एडिटोरियल लगे। काम के इन द सेंस समझने के साथ कोशिश करिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की बात है,
अब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि पेगासस वाले मामले को जो मैंने आपको ऊपर बताया कि वही वाली बात है कि पेगासस पे बेसिकली क्या था कि ट्रैपिंग का जो है टैपिंग का सिस्टम का जो है क्लेम ठोका जा रहा था। राहुल गांधी ने बेसिकली जो है नरेंद्र मोदी पे क्लेम ठोका, क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बिछाया, पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो बात छोड़िए, ये एंटी पार्टीज बातें हैं, एंटी सेंटीमेंट है, उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों की द रॉफिंग द शिप, ये भी वही वाला मामला है कि कैसे करंट टाइम में जो हम्बल टोटा पोर्ट पर श्रीलंका पे जो है चाइना का वुआंग 5 जो है शिप वहां पे आया है, वो कैसे टसल क्रिएट करके रखा हुआ है, कैसे दोनों के बीच में टेंशन है। तो थोड़ा सा इसमें बयानबाजी है। बयानबाजी में देखिए दोस्तों क्या है कि जो यहाँ पे काम का है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। काम का इंद्र समझने की कोशिश करिए कि करंट टाइम में क्या है कि कोलंबो जो है बेसिकली कह सकते हैं कि थोड़ा सा इकोनॉमिक फ्लरिश करने के साथ साथ अब कोलंबो क्या है कि भाई उनके कर्जदार हो गए हैं, अधीन हो गए हैं। तो अधीन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि अब चाइना की वन पॉलिसी को वो प्रमोट कर रहे हैं। वन पॉलिसी को प्रमोट करने के साथ साथ यही कारण है कि धीरे धीरे जो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका के लिए ह्यूमैनिटेरियन स्टैंड दिखाए थे, आप खुद समझने की कोशिश करिए कि अगर चाइना इतना ही बड़ा हितैषी होता श्रीलंका का, तो जब श्रीलंका में इतनी बड़ी क्राइसिस आई तो हिंदुस्तान ही क्यों सबसे पहले मदद करने के लिए खड़ा हुआ, चाइना क्यों नहीं खड़ा हुआ। तो यही सारे ह्यूमैनिटेरियन स्टैंड की बात है, थोड़ा बयानबाजी है आपस में टसल को लेके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। पर हाँ, जो इसकी इंपॉर्टेंट बात थी, जो कह सकते हो कि जो यहाँ का मेन बैकग्राउंड था, वो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद दो तीन दिन से एक न्यूज़ चली आ रही थी, आपने देखा होगा दोस्तों कि न्यूज़पेपर वगैरह में और सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे देखा होगा और भी सुना होगा कि झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, इनको क्या है कि बेसिकली जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया एज एमएलए के पद से, एज एमएलए के पद से। इतना समझने की कोशिश करना दोस्तों कि क्या सीन है कि झारखंड यूनिकैमरियल है। यूनिकैमरियल मतलब दो होती हैं, एक बाइकैमरियल एक यूनिकैमरियल। बाइकैमरियल जो है बेसिकली आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में मिलेगा। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो इसके लिए या तो आप एमएलसी बनो या तो एमएलए बनो, ये बाइकैमरियल होता है। लेकिन झारखंड में यूनिकैमरियल है, तो आपको एमएलए ही बनना पड़ेगा सीएम बनने के लिए, विधायक बनना पड़ेगा, विधान परिषद में जाना पड़ेगा विधानसभा में, तभी आप जो है सीएम के लिए नियुक्त होगे। अब करंट टाइम में क्या मामला चल के आ रहा है झारखंड में कि देखिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हेमंत सोरेन को। अब देखिए मामला क्या है दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक एडिटोरियल भी है, तो मैं यहीं पे चाहूँ तो इन दोनों बातों को डिस्कस कर देता हूँ। अब मामला क्या है दोस्तों कि हेमंत सोरेन जब चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने क्या किया कि जो माइनिंग के ज़्यादातर ठेके थे ना, ये खुद को दिया। तो जितने ज़्यादातर इन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रमोट किया, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की एक यहाँ पे चर्चा की गई है कि सेक्शन 9A के तहत, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत इन्होंने उस चीज़ को वायलेट किया है। क्यों? क्योंकि अगर आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हो, किसी वैधानिक पद पे बैठे हो, तो आप सबके हित के लिए हो, ना कि अपने हित के लिए हो। तो इन्होंने इस चीज़ को वायलेट करते हुए क्या हुआ कि वहाँ के गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी के लिए भेजा। अब क्या हुआ कि इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इन्होंने जो है इस चीज़ को वायलेट किया, सेक्शन मतलब पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट को वायलेट किया। तो इसी के तहत क्या है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब इनकी सीएम की कुर्सी जो है धीरे धीरे समझिए कि खतरे पे ही है। तो ये यहाँ पे चर्चा थी दोस्तों, अब मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, ये ऊपर जो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन एक्ट वगैरह बताया ना, ये ऊपर के करंट अफेयर में एक दो लाइन में बेसिकली था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एडिटोरियल था, तो मैंने उस बात को यहीं पे कंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि और भी बातें हैं टंच कसते हुए जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब दोस्तों चलते हैं अपने लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट मस्ट अंडू अनजस्टिस, ये लास्ट है एडिटोरियल है। और इसमें देखिए आपको दो तीन मसाला मिल जाएगा, दो तीन मसाला इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आपने देखा होगा ना दोस्तों कि अभी बिल्किस बानो जो केस हुआ उसमें क्या हुआ कि 14 साल के बाद रेप के केस के बाद गोजरा कांड के समय क्या था कि जो 11 लोग कन्विक्ट किए गए थे उनको जो है 14 साल के रेप के केस के बाद छोड़ दिया गया, रमीशन दे दिया गया। तो यहीं पे यहाँ पे चर्चा करते हुए कि जब आप इतने हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है, इतनी ह्यूमैनिटेरियन स्टैंड्स आपके ऊपर लगते हैं कि आप इतना अमानवीय घटना करते हो, तो कैसे आपको रेप के केसेस में वो दे दी जाती है, छोड़ दिया जाता है। तो यही कुछ बातें यहाँ पे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की जुडिशरी को क्रिटिसाइज करते हुए वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है उस चीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक बात लिखी है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के तहत क्या है कि आप आर्टिकल 15 में देखोगे कि एवरी रिलीजन सेक्स कास्ट कमीशन इज अ सेम, हर जाति हर धर्म हर रिलीजन सेम है। तो यहाँ पे मामला इस तहत क्या आ रहा है कि जो रेप किया है क्या उसको भी हम सेम नजर से देखेंगे, क्या हम उसके भी फंडामेंटल की जो है क्या करते हैं सेफ गार्ड बन के रखेंगे। तो यही पे यहां पे मामला तुल पकड़ते हुए दोस्तों दो बातें ये लिखी गई हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में उन लोगों को रमीशन दिया है, क्या इसमें एंटरटेन करके उस चीज को नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है।
भाई नल एंड वॉइड करने का मतलब उसको स्थगित नहीं कर सकता, उस मामले को स्थगित करने के साथ साथ आप देखोगे कि चाहे तो उस चीज को, उस पिटीशन को एंटरटेन, मतलब कई सारे लोगों ने पिटीशन भी यहां पे दिया है, चाहे तो उस चीज को एंटरटेन करके खत्म कर सकता है। अब देखिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो किसी भी लॉ में, जैसे अब यहां पे देखिए जो तंजिंग वाली बात है, जो कॉन्फ्लिक्टिंग वाली बात है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दिया, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो यहां पे देखिए दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन स्टैंस में जो यहां पे दो बातें सुप्रीम कोर्ट में लिखी हैं कि यहां पे लिखा है कि द मोरालिटी ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज बीन डैमेज्ड, आई होप नॉट बियॉन्ड रिपेयर, दिस इन टर्न हैज डैमेज्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, द सुप्रीम कोर्ट मस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ वाई अ जजमेंट ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट वॉज क्वेस्ट नॉट इन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द पिटीशन फाइल्ड अंडर द 32। तो साफ साफ यहां पे देखिए दोस्तों मैंने आर्टिकल 15 की डिस्कस किया, अब आर्टिकल 32 के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 32 क्या कहता है दोस्तों कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को ताकत है, ये याद रखना दोस्तों कि आर्टिकल 32 को एम्परर ऑफ द आर आर्टिकल कहा जाता है, ये हमारे फंडामेंटल का सबसे बड़ा सेफगार्ड है, जो अपनी फंडामेंटल राइट्स है ना, ये आर्टिकल 32 उनका सेफगार्ड करता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आर्टिकल 32 की जो चर्चा की जा रही है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को वो ताकत देती है कि वो किसी भी उच्च न्याय, मतलब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की ताकत है कि वो किसी भी टेरिटरी एक्सपेंशन में अपना हस्तक्षेप कर सकता है। और साथ ही आप देखोगे दोस्तों, हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा, अब सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो पीसीएस प्री में बन सकता है, यूपीएससी में तो 110% ऐसे कॉन्सेप्चुअल बेस बन ही जाते हैं जो लाइन से उठा लिए जाते हैं, आर्टिकल से रिगार्डिंग पॉलिटी में तो ऐसे बनते ही बनते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों कि यहां पे दो बातें हैं, दो याद रखना दोस्तों, एक आर्टिकल 226, एक आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 यहां पे मैंने नोट्स में बना दिया है आपकी, ताकि आप समझ पाओ। तो यहां पे देखोगे दोस्तों आर्टिकल 32 इंपावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट ऑल ओवर द इंडिया, देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट हैज अ बॉर्डर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये वाइडर ताकत है आर्टिकल 32 के तहत कि वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कहीं भी रिट दायर कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 26 खाली हाईकोर्ट तक ही लिमिट है। और हाईकोर्ट का क्या सीन है कि हाईकोर्ट सिर्फ अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन के मामले में, लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दीवानी कोर्ट, ये सारे कोर्ट में ही हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये दोनों आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी कई बात आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।